बढ़ते हैं अगली खबर। 31 मई बुधवार को देश भर में निर्जला एकादशी का पर्व मनाया। इस मौके पर दिल्ली में भी अलग अलग इलाकों में छवि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार निर्जला एकादशी पर छवि बांटकर इस पर्व को मनाया। इस मौके पर रोहिणी में साध्वी ने इस पर्व की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को समझाने का प्रयास किया और साथ ही उन्होंने निर्जला एकादशी के पर्व के महत्व को भी समझाया। 31 मई बुधवार को देश भर में निर्जला एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों में इस पर्व को लेकर एक अलग ही जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस संबंध में विश्व गुरु भारत न्यास आध्यात्मिक संगठन की संस्थापिका साध्वी समाहिता ने बताया कि एक साल में 24 बार एकादशी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी का एक अलग ही महत्व है। उन्होंने बताया कि यह पर्व हिंदू धर्म की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। साध्वी ने बताया कि इस पर्व के माध्यम से हम उपवास पर रहते हैं और अपने हिस्से का जल हम जरूरतमंद को पिलाने का प्रयास करते हैं, यही इस पर्व की विशेष परंपरा है। दरअसल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों द्वारा सड़कों पर छबील बांटकर इस पर्व का जश्न मनाया जा रहा था। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में भी विश्व गुरु भारत न्यास और साझा परिवार के आपसी सहयोग से छबील का वितरण किया गया। इस मौके पर विश्व गुरु भारत न्यास की संस्थापिका साध्वी यहां मुख्य रूप से मौजूद रही। इस दौरान आयोजकों में एक अलग ही जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसी मौके पर बोलते हुए साध्वी ने इस दिन की विशेषता का व्याख्यान किया और निर्जला एकादशी के महत्व को समझाने का प्रयास किया। आज 31 मई कहते हैं वर्ष भर का बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक तापमान वाला दिवस माना जाता है। इसीलिए आज के दिन, निर्जला एकादशी के दिन, सबसे कठिन तप माना गया है कि बिना जल के 24 घंटे बिना जल का अनुष्ठान करना, जल को नहीं पीना। जो कृष्ण भक्त हैं, जो वैष्णवजन हैं, वो जल नहीं पीते हैं और निर्जला एकादशी रखते हैं। ये एक प्रकार का व्रत है। बिना जल, बिना भोजन, बिना प्राण वायु के कोई रह नहीं सकता। परंतु जब हम किसी चीज़ का, किसी अतिशय प्रिय या अतिशय आवश्यक चीज़ का, वस्तु का त्याग करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो वो व्रत कहलाता है। जो हमें ठाकुर जी से, जो हमें परमात्मा से, जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ दे, वो व्रत कहलाता है। आज के दिन विश्वगुरु भारत न्यास की तरफ से, साझा परिवार के सौजन्य से, पूरे रोहिणी वासियों की तरफ से एक बहुत ही दिव्य, पावन, विराट पांडाल लगाकर छबील लगाया गया है। छबील का अर्थ है कि आप किसी प्यासे को जल पिलाएं, क्योंकि सभी लोग ये अनुष्ठान या व्रत तो कर नहीं सकते। तो आज के दिन पावनता का अनुभव करें, हम सभी को शरबत का, जल का दान करें, इसका अर्थ ये है। ये निर्जला एकादशी पे हमने यहाँ छबील लगाई है विश्व गुरु भारत न्यास और साझा परिवार के दोनों के सहयोग से। ये दिन जो हमारे धार्मिक मान्यताएं हैं उनके हिसाब से आज का दिन बहुत ही गर्म होता है, तो उसके लिए एक प्यासे को जल देने का प्रावधान हमारे हिंदू संस्कृति में बनाया, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने भी यहाँ लगाया है रोहिणी क्षेत्र में सेक्टर 8 में, जिससे कि हम जो भी सेवा कर सकें। आज पूरे संसार भर में निर्जला एकादशी का ये महाउत्सव, इसको साझा परिवार और साथ में विश्व गुरु भारत न्यास, जिसकी संस्थापिका पूज्य समाहिता दीदी हैं और जो एक देश के अंदर बच्चों में जो विकार हो कैसे दूर हो और राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, एक बहुत बड़े उद्देश्यों को लेकर उन्होंने जो स्थापना की है, हम सब उसके ट्रस्टी हैं। और ये छबील का कार्यक्रम आज यहाँ पर इस माध्यम से, जो निर्जला रहते हैं वो अपने हिस्से का जल समाज को बांटें, ये उद्देश्य लेकर के निर्जला एकादशी, क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई निर्जला एकादशी में जल क्यों बांटा जाता है, यह कि जो निर्जला रहते हैं एकादशी वाले वो अपना हिस्से का जल समाज को बांटें, जो निर्जला एकादशी नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह पूरे एकादशियों में साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी एक ऐसी, अगर एक भी कोई व्रत करता है तो कहते हैं 24 का फल उसको मिलता है, ऐसी मान्यता है। वही सब ध्यान में रखकर दीदी समाहिता जी ने हम सबको एकत्र किया और यह एक छबील का कार्यक्रम किया है। ये बात समाहिता दीदी की गाइडलाइंस में हम समाज के लिए जो भी अपना योगदान दे सकते हैं हम उसके लिए कार्यरत हैं। गौरतलब है कि 31 मई को हिंदू परंपरा के अनुसार निर्जला एकादशी का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। सनातन परंपरा में रखे जाने वाले तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी की एक विशेष मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि व्रत
सभी मनोकामना को पूरा करने वाला होता है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत बेहद फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस एक व्रत को मात्र करने से सारा पुण्य कमाया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाले सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।